आज हम ट्राई करेंगे वर्लुफ्ट की सेफ पूरी। ठीक है, तो ये बोला है 5 लोगों को सर्व करते हैं और कॉस्ट वाइज 200 रुपीज की है, मगर मैंने ब्लिंकिट से मंगाई थी तो आई थिंक सो मुझे 170 के आसपास की ये मिल गई थी। तो लेट्स सी इसमें क्या क्या है। ठीक है, क्या है इन्हें बोला है, बॉइल्ड पोटैटो फ्लैक्स मिक्स है, ग्रीन चटनी है और गार्लिक चटनी है, इसके बाद स्वीट एंड सार चटनी है और ये पूरी है, ये पूरिया है और ये सेव है। ठीक है, तो अब हम इसको चलो बनाते अरेंज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पूरी को फाड़ते हैं और ये मेरा कप मुझे बर्थडे पे गिफ्ट मिला था, अंजलि कुक हाउस यूट्यूब। ठीक है, तो चलो पहले हम पूरी को करते हैं। सही क्वांटिटी है, लेट्स अरेंज देम फर्स्ट। पहले टेस्ट करते हैं। प्रॉपर मटरी नहीं होती, बिल्कुल वैसा टेस्ट है। तो ये है सेव, तो सेव को हम पहले काट के रख देते हैं। नेक्स्ट, इनमें इन्हें डायरेक्शन दी है कि आपको ना बॉइल्ड, ये जो आप बॉइल्ड पोटैटो मैश है ना, ये बनाने के लिए आपको 3/4 वाटर डालना पड़ेगा थोड़ा सा, और उसको हल्का सा नीट करना पड़ेगा वार्म वाटर डाल के। तो लेट्स डू इट। ओके, सो टेल मी, आपको चाट का कौन सी वैरायटी पसंद है, मतलब भेल पूरी, स्टफ गोलगप्पा, पानी पूरी, और आपके यहाँ पे क्या बोलती, ये कैसा है, सी पोहा लग रहा है भाई मुझे तो, आलू का लग रहा है, क्या है पता नहीं क्या है, मुझे तो ये पोहा टाइप ही लग रहा है। और ये वार्म वाटर डालते हैं थोड़ा सा। दिस इज हाउ एग्जैक्टली द मिक्सचर शुड लुक लाइक। देखो ऐसा हो जाना चाहिए मिक्सचर। और अब हम इस मिक्सचर को थोड़ा थोड़ा करके इस पे अच्छे से डाल देते हैं। कमेंट में जरूर 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 बताना कि किसको चाट में कौन सी वैरायटी पसंद है, या फिर आपका कौन सा फेवरेट फास्ट फूड है। सेव पूरी मैंने रिसेंटली खाई थी और उसकी कॉस्ट ना, सी आप नॉर्मल स्ट्रीट वगैरह पे खाओगे तो इट माइट कॉस्ट 40-50 रुपीज, बट आप कोई ऐसे रेस्टोरेंट वगैरह में खाओगे तो वो अप्रॉक्स 150 लग जाता है, 150 तक तो वो देते ही देते हैं। तो अगर इट इज, अगर ये टेस्टी हुआ तो इट इज वेरी वर्थ इट, क्योंकि क्वांटिटी काफी अच्छी है, 2 लोगों का तो आराम से पेट भर सकती है और काफी अच्छी है। इसको सारे आलूओं को, और इन्हें पता है ये आलू में बेसिकली किया क्या है, अब मुझे समझ आया, इन्हें पहले आलूओं को बॉईल कर लिया है, उसके बाद उनको अच्छे से ऐसे ग्रेट करके सुखा लिया है, इसलिए ये ऐसे हुए हैं। और इट इज वेरी नाइस यार, मतलब इसका मैंने इसको टेस्ट किया है और ये देखो परफेक्ट है, ये सारों में आ गया अच्छे से। सी ये हो गया ऐसे। अब हम इसमें अलग अलग चटनियां डालते हैं। ये है हमारी ग्रीन चिली चटनी, ये देखो ये हमारी ग्रीन चिली चटनी, तो इसको डालते हैं पहले। नेक्स्ट है हमारी गार्लिक चटनी। सी नेक्स्ट हमारी गार्लिक चटनी, अब इसको देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी स्वीट एंड सार चटनी, खट्टी मीठी, खट्टी मीठी नमकीन भी कितनी अच्छी लगती है ना भाई, कट जा। मस्त है। और अब आता है सेव पूरी की जान, सेव अच्छे से डाल देते, ठोक देते हैं। अंजलि इसको खाओ, उसको जरूर जरूर सब्सक्राइब कर दो फॉर मोर सच वीडियोस। एंड ये हमारी सेव पूरी इज रेडी। सी गाइस कितनी टेम्प्टिंग लग रही है, वाओ। सी गाइस नाउ लेट्स टेस्ट इट, और इसको टेस्ट करके बताते कैसे बना है। अब
इसमें प्याज वगैरह और भी बहुत कुछ डाल सकते हो, बट मैंने जितना इस पैक में दिया था ना उसी वही सब किया। सी अगर मैं ये बोलूं कि बहुत अच्छी है बहुत गंदी है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसकी पपड़ी बहुत अच्छी है, इसका जो आलू का मिक्सचर है वो भी बहुत अच्छा है, सेव ऊपर वो भी अच्छी है। इसकी थोड़ी चटनियों में हल्का सा आपको प्रिजर्वेटिव टाइप का ऐसा लग रहा है, जैसे नॉर्मल आप मार्केट से चटनी लेते हो ना जो आपको लगता है वो फ्रेशनेस नहीं आ रही। एल्स इट इज गुड, वन टाइम यू कैन ट्राई इट एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।